अच्छा जमाने के लिहाज से, तो जमाने के लिहाज से फेल को बांटा गया है तीन हिस्सों में। एक है फेल माजी, दूसरा है फेल हाल और तीसरा है फेल मुस्तकबिल। तो पहले हम ये समझेंगे कि फेल कैसे कहते हैं। तो फेल जो है फेल किसी काम को कहते हैं, चाहे वो मैं करूँ या आप, उसको फेल कहते हैं। फिर जो फेल गुजरे हुए ज़माने में हो उसको फेल माजी कहते हैं, और जो काम जो है जो काम हम मौजूदा ज़माने में करें तो उसको फेल हाल कहते हैं, और जो काम हम आइंदा ज़माने में करेंगे तो इसको फेल मुस्तकबिल। मिसाल के तौर पर मैं या इसको मैं अहमद कराची गया था, तो ये हमारे पास फेल माजी की मिसाल है। वो गुजरे हुए ज़माने में कराची गया था ना, तो ये हमारे पास फेल माजी की मिसाल है। अच्छा, फिर दूसरा जो हमारे पास है फेल हाल। तो हम यहाँ पे फेल हाल को एक मिसाल के जरिए समझेंगे। तो फेल हाल वो होता है वो का मतलब जो हम मौजूदा ज़माने में करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ के मैं खाना खा रही हूँ, तो ये काम जो है ये खाना खाना ये काम और ये मैं मौजूदा ज़माने में कर रही हूँ, तो ये हमारे पास फेल हाल है। फिर लास्ट काम जो है तो वो है फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल वो काम होता है जो हम आइंदा ज़माने में करें। इसकी मिसाल ये है कि अहमद कल कराची जाएगा, तो ये हमारे पास फेल मुस्तकबिल वो काम जो हम आइंदा ज़माने में करें। फिर इसके बाद इसको मज़ीद मुख्तलिफ हिस्सों में जो है बांटा गया है। फेल माजी को तीन हिस्सों में बांटा गया है। फेल माजी मतलब फेल माजी करीब, फेल माजी बाईं। इस तरह से फेल हाल को दो तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। फेल मुजारा, फेल अमर, फेल नहीं। फिर फेल मुस्तकबिल को दो हिस्सों में बांटा गया है। फेल मुस्तकबिल मुजारी और फेल हमारे पास है वो फेल माजी होते हैं। वो काम होता है मतलब जो हम गुजरे हुए ज़माने में करें, लेकिन उस काम को किए हुए कितना अर्सा हुआ हो वो जाहिर ना हो। मतलब काम तो गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो, लेकिन हमें ये पता ना हो कि उस काम को किए हुए कितना अर्सा गुजरा हो। इसकी मिसाल ये है कि माजी मतलब जो है तो वो गुजरे हुए काम को जाहिर करता है, लेकिन उस गुजरे हुए काम को कितना अर्सा हुआ हो ये जाहिर नहीं होते इसमें कि इसको कितना अर्सा हुआ है। मतलब ये काम हमने तो फेल माजी में किया है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये काम जो हुआ इसका कितना अर्सा हुआ है, तो इसको फेल माजी मतलब कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि अहमद ने खत लिखा। अब अहमद ने खत लिखा है गुजरे हुए ज़माने में, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये खत इसने करीब के ज़माने में लिखा है या दूर के ज़माने में, तो इसको फेल माजी मुतलक कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो है वो है फेल माजी करीब। तो फेल माजी करीब उसे कहते हैं वो काम होता है जो हम गुजरे हुए ज़माने में करें, लेकिन वो गुजरा हुआ ज़माना करीब का ज़माना हो। तो इसकी मिसाल ये है, अब मैं इसको मिसाल के जरिए आपको समझाऊँगी कि अहमद ने खाना खाया है, तो ये जो है अब अहमद ने खाना खाया मतलब ये है कि इसने करीब के ज़माने में ये खाना खाया है ना, तो ये हमारे पास फेल माजी करीब की मिसाल है। फिर हमारे पास आखिरी जो में लास्ट में जो है तो वो है फेल माजी बगी। तो फेल माजी बाई वो काम होता है जो हम गुजरे हुए ज़माने में करें, लेकिन दूर के ज़माने में, वो काम दूर के ज़माने में हुआ हो तो उसको फेल माजी बाई कहते हैं। जैसे अहमद कराची गया था, तो ये हमारे पास फेल माजी बाई के मिसाल है। अहमद जो है वो कराची गया हुआ था, लेकिन वो दूर के ज़माने में गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं अब दोबारा से आपको दोहराना चाहती हूँ, तो आज हमने जो पढ़ा वो है फेल की अकसाम। तो सबसे हमने पहले हमने फेल के बारे में पढ़ा कि फेल किसे कहते हैं, तो फेल किसी काम को कहते हैं। फिर इसके बाद हमने फेल की अकसाम के बारे में पढ़ा, तो फेल की तीन अकसाम है फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। फिर हमारे पास फेल माजी की मज़ीद तीन अकसाम बनते हैं, फेल माजी मतलब, फेल माजी करीब, फेल माजी बाईं।
इस तरह से पहले हाल के तीन अकसाम है, पहले माजी मुजरम, पहले मुजारब, पहले अमर, पहले नहीं। इस तरह से पहले मुस्तकबिल के भी दो अकसाम है, पहले मुस्तकबिल मुजामी, पहले मुस्तकबिल मुतलक। फिर हमने पहले माजी मुतलक के बारे में पढ़ा कि पहले माजी मुतलक वो काम होता है जो गुजरे हुए ज़माने में हो लेकिन इस काम को किए हुए कितना अर्सा हुआ हो ये मालूम ना हो। फिर इस तरह से पहले माजी करीब है तो पहले माजी करीब वो काम होता है जो हम गुजरे हुए ज़माने में करें लेकिन करीब के ज़माने में वो काम हो। फिर इस तरह से पहले माजी बाइद के बारे में हमने पढ़ा तो पहले माजी बाइद वो काम होता है जो गुजरे हुए ज़माने में हो लेकिन वो दूर के ज़माने में काम किया गया हो तो इसको पहले माजी बाइद कहते हैं। तो बच्चों आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई? यस। तो अब मैं आपसे सवाल करूंगी, अबान आप उठे और बताएं कि पहले माजी मुतलक किसे कहते हैं? माजी मुतलक गुजरे हुए ज़माने में पाए जाते हैं मगर इसमें यह मालूम नहीं होता कि गुजरा हुआ ज़माना दूर का है या नहीं पाए, मसलन बड़ी ने पौधों को पानी दिया। अच्छा अरीशा आप उठे और बताएं मुझे कि पहले माजी करीब किसे कहते हैं? वो फिर जो गुजरे हुए ज़माने में हो लेकिन ज़माने करीब में हो, मसलन तैमूर बाजार गया है। अच्छा अनुषा आप उठे और बताएं मुझे कि पहले माजी बाइद किसे कहते हैं? वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो लेकिन दूर के ज़माने में हो, जैसे कि अली ने साइकिल चलाई थी। शाबाश।